नेमावर में दलित परिवार के सदस्यों की जननदेह हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए सोमवार को सुबह 11 बजे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पीड़ितों के परिवार से मिलकर उनके घर पहुंचे, शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद प्रेस वार्ता कर उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत रखे, राजनीतिक दबाव में आकर कोई काम न करे, क्योंकि हत्या के मुख्य आरोपी के फोटो भाजपा नेताओं के साथ हैं, इसलिए इस मामले में जाँच को लेकर अभी तक सीबीआई जाँच के आदेश नहीं दिए गए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि यदि आप सही में बहन बेटियों के मामा हो तो तत्काल सीबीआई की जांच के आदेश दे, वरना आप मामा शकुनी कहलाओगे। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। जो उनका व्यवहार रहा हमें कोई भरोसा नहीं, पुलिस कौन सी दबाव में है। मैं तो पुलिस से कहता हूँ, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नेताओं की इज्जत मत करिएगा, सबसे पहले अपनी वर्दी की इज्जत करिए। तो हम तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच, आपको क्यों संकोच है। और सीबीआई जांच के साथ मैं चाहता हूं कि एक नागरिक समिति बने, गैर राजनीतिक नागरिक समिति बने, आप लोग बनवाइए, एक नागरिक समिति बने जो इसकी पूरी जांच में लगे। ये हमारे समाज का एक कर्तव्य बनता है। कांग्रेस हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। ये प्रश्न एक परिवार का नहीं है, ये प्रश्न पांच लोगों का नहीं है, ये प्रश्न पूरे आदिवासी समाज का। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी 5 दिन के बाद में अभी तक जारी नहीं हुई सर। मैंने घोषणा करी है कि कांग्रेस की ओर से हम परिवार के पांचों सदस्यों को 5-5 लाख रुपए देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। आप परिवार से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। ये फोटो बता रही है, सबूत बता रहे हैं। विधानसभा से उम्मीद करना मूर्खता है। हम तो सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, अभी जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से ही बात करेंगे। और शिवराज चौहान से मैं अनुरोध करता हूँ, शिवराज भाई तुम असली मामा हो यदि इस प्रदेश की बच्चियों के, तो आँख बंद करके लेटर लिख देना कि इस प्रकरण की सीबीआई इंक्वायरी की जाए, तब मानेंगे कि तुम असली मामा, नहीं तो हम तुम्हें शकुनी भी कहेंगे, कंस मामा भी कहेंगे। बहुत सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।